सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया। आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। जब आप बाहर आए तो आपसे बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था, आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते हैं, फालतू अगर आप पहनते हैं उतारने का बात करने का, ये सब करो, फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय, अब बांध लिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में। हे मोदी जी के गारंटी वालो, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। विजय सिन्हा जी जब जहां चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए, खूब जोरी है आप लोगों का, कमाल का, लगे रहिए। जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार विधानसभा में जोरदार भाषण देते हुए सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव का ये भाषण खूब वाहवाही लूट रहा है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का ये भाषण तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी तेजस्वी के भाषण के मुरीद हो गए। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से पोस्ट करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की और उन्हें शाबाशी दी। उन्होंने तेजस्वी यादव की तुलना लालू प्रसाद यादव से की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा, तेजस्वी यादव शाबाश, आज तुम्हारे इस भाषण के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि लालू प्रसाद जी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका था और अब तेजस्वी तुमने नरेंद्र मोदी का रथ रोकने का आह्वान किया है। तुम्हारे साहस पर हमें एक गर्व है। बड़े बड़े नेता ईडी आईटी सीबीआई से डर गए, लेकिन एक परिवार नेहरू गांधी का, एक लालू यादव का है जो इनके सामने नहीं झुका। हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। गौरतलब है सदन में तेजस्वी यादव ने करीब 30 मिनट लंबा भाषण दिया। इस भाषण के दौरान तेजस्वी ने कहा कि क्रेडिट लेने पर सवाल उठाया जा रहा है, विभाग मेरा, मेरी पार्टी का, मंत्री मेरा और मेरी पार्टी का, तो क्रेडिट कौन लेगा? क्या इस सरकार में भाजपा के मंत्री अपने विभाग का क्रेडिट नहीं लेंगे? भाजपा वाले कैसे सरकार को निशाने पर लिया करते हैं, ये सब याद करने वाली बात है। किन किन शब्दों का उपयोग नहीं किया गया? क्या मोदी जी गारंटी लेते हैं कि ये सरकार फिर से पलटी नहीं मारेगी? अगर कोई दिक्कत थी, किसी मंत्री से परेशानी थी तो बात करते, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। मोदी जी को बिहार में ही रोका जाएगा। तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की, लेकिन इसी के साथ उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा, भाजपा ने वोट के लिए भारत रत्न को डील बना दिया है। तो इतना सब लोग का सहयोग रहा, कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया। डील करने के लिए हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं।